तारिमन जीवन है एक साज हरि के हाथों बज रहा हरि की है आवाज़। थोड़ी देर ध्यान से इस कीर्तन से जुड़ करके थोड़ी देर आंख बंद रखना और कहीं खो जाना अपने भीतर ही, भूल जाना कहां बैठे। तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, सोहम 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 सोहम। तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, देखें आती हुई सांसों को, देखें जाती हुई सांसों को, आती हुई सांस उससे जो ध्वनि निकल रही है सो, जाती हुई सांस से निकल रही हम दोनों मिलकर सो हम, तू वही है मैं भी वही हूं, मैं जानता नहीं मैं उसे पहचानता नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसे कभी सुना नहीं, जो हमारे ही भीतर है, जिसकी सत्ता से सब हो रहा है, उस ध्वनि को सुने, जिस ध्वनि को मीराबाई सुन के मीरा हो गई, जिस ध्वनि को सुन करके नानक जी ने अकाल पुरुष को पा लिया, जिस ध्वनि को सुन करके ज्ञानेश्वर नामदेव शबरी कबीरदास तुकाराम ज्ञानेश्वर सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने सुना, जो सुने सो हो गए पार, हमें भी उसको सुनना है, बाहर की नहीं भीतर की ध्वनि। इसलिए आती हुई सांस क्या कह रही है खूब ध्यान से सुनो, आती सांस क्या बोले, जाती सांस क्या बोले, आती सांस क्या बोले, जाती सांस क्या बोले, आती सांस सो बोले, जाती सांस हम बोले, आती श्वास सो बोले, जाती श्वास हम बोले, दोनों मिलकर बोली है, ये बोली अजपा है, जिसे माला के द्वारा नहीं जपा जाता, जिसे जिभा
कथा के द्वारा भी नहीं जपा जाता। वो अजन्मा है, वो मौत से भी पार है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो कभी सोता नहीं, सदैव जागता है, जागरण ही उसका जीवन है। हम सो जाते हैं, मन सो जाता है, इंद्रियां सो जाती है, फिर भी कोई है ना जो जागता है, जो नींद को भी देखता है। आज मुझे अच्छी नींद आई, आज मुझे नींद नहीं आई, आज मुझे गहरी नींद नहीं आई, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, कौन जानता है। जो उन श्वासों को भी देखता है, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, हम में वही हूं, तू भी वही है। रसनम लक्षणम भजनम, हमें भीतर का रस महसूस होने लगे, भीतर का आनंद प्रकट होने लगे, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी मंजिल है, जो हम सबकी मांग है। बाहर के रस से तृप्ति नहीं मिलती, खारा खट्टा मीठा तीखा हास्य का रस, ये बाहर के रस नहीं, भगवान ने कहा है वो असली रस तुम सबके भीतर है, और उसी रस को जगाने के लिए ये कीर्तन, ये ध्यान हमें भीतर के रस से जोड़ता है, भीतर के रस को प्रकट करता है। और इस रस को प्रकट करने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ
कुछ भी नहीं करना। और जब कुछ नहीं करने की स्थिति में आ गए, रसो वैशा वही रस उत्पन्न हो जाता है। चल रही है वो माला श्वासोश्वास की, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, वही गुरु का प्यारा है, वही सदगुरु का दुलारा है, वही भगवान को प्रिय है। मदभक्ता यत्र गायंती, हे नारद मुझे वो भक्त प्रिय है जो मेरा हृदय में ध्यान करते हुए जुड़ जाता है, खो जाता है। और जब हम खो गए तो फिर हम नहीं रहे, मैं नहीं रहा, फिर वही रह गया जिससे सब है, जिससे सब कुछ है। ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नवय, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद वैकुंठ से मैं चला जाता हूं, योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूं, परंतु जहां मेरा भक्त ध्यान करते करते सोहम स्वभाव में, आनंद स्वभाव में, प्रेम रस में डूबने लगता है, वही तो मेरा वास है और वही तो मैं रहता हूं, उसी तो मैं बसता हूं मैं। इसलिए तो उसका नाम वासुदेव है, सिवा उसके कुछ और है ही नहीं। बापूजी कहते हैं तुम नाहक में बाहर भटक रहे हो, बापूजी बोलते हैं अपने भीतर आनंद का दरिया उमड़ रहा है, आनंद का स्रोत बह रहा है, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों दुखी हो, छोड़ो बाहर की सब दुनियादारी, बाहर से आज तक किसी को ना कुछ प्राप्त हुआ है और ना होगा, क्योंकि जो बाहर का प्राप्त है वो बाहर ही छूट जाएगा, लेकिन जो स्वतः सिद्ध है, अप्राप्त नहीं प्राप्त ही है, जिसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं, भीतर ही है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी, जल विच कमल, कमल विच कलिया, तापर भवर लुभासी, मृग नाभि में है कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, अपनी ही नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध से बाहर भटक रही है मृग, ऐसे ही जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा का वास है, आनंद का वास है, वो नाहक बाहर के इंद्रियों के सुखों में भटक रहा है बेचारा, भाग रहा है। इसलिए आइए सदगुरु की शरण, बैठिए सदगुरु की चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक बार जो आपके दर पे आ जाता है, बस आपका ही हो जाता है, क्या खूब आपकी प्रीति है गुरुदेव, हम धन्य आपके चरणों में, हम धन्य हैं आपके श्री चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे बापूजी आपने क्या नहीं दिया हम सबको, आपने क्या नहीं दिया दुनिया को, आपने तो बाहर की संपदा से भी संपन्न कर दिया हमको, और जो भीतर की संपदा थी उस भीतर की संपदा को भी हे बापूजी आपने ही हमारे भीतर उस संपदा का दर्शन कराया। लेकिन ऐसे लोग आपको पहचान नहीं पाए, हे बापूजी आपको जान नहीं पाए, लोगों ने नानक जी को नहीं पहचाना, लोगों ने मीरा को भी नहीं जाना, लोगों ने बुद्ध के ऊपर भी पत्थर बरसाए, क्या नहीं दिया बुद्ध ने, क्या नहीं दिया महावीर ने, हमारे गुरुदेव ने क्या क्या नहीं दिया,
क्या क्या ना दिया तूने मुझे, क्या क्या ना मैंने पाया, तू दे दे करके कुछ ना बोला और मैं ले ले के बिछराया। हम भूल जाते हैं आपके एहसानों को, हम भूल जाते हैं आपकी करुणा को, हम भूल जाते हैं आपकी कृपा को। हे बापू जी, आप ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। हे बापू जी, आप ना होते तो हम कहाँ भटक रहे होते। मीरा कहती है, गुरुओं के संग से क्या प्राप्त होता है, ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों से क्या नहीं मिलता, और बिना सदगुरु की जिंदगी तो ऐसी है, एक बेल की दो तुम्बरी, दोनों की एक ही जात, एक रोलत फिरे गलियन में एक संतन के हाथ। ये मेरा जीवन अगर आनंदमय है, रोशनमय है, आपके हाथों का कमाल है। मिट्टी को बनाने मिट्टी की कोई खासियत नहीं तो बनाने वाले कुम्हार के हाथों की कला है। आभूषण का कोई महत्व नहीं तो बनाने वाले सुनार के हाथ का महत्व है। लोहे का कोई मूल नहीं, पारसमती पारसमणि ने छुआ दिया सोना बन गया। ऐसी हमारी क्या औकात, हमारी क्या योग्यता, हमारी क्या, हम तो माताओं के शरीर से पैदा हुए, पिताओं के शरीर से गिरे अनेक जन्मों से, लेकिन आपकी करुणा कृपा थी, आपने हमें खींच लिया, आपने हमें पुकार लिया, आपने हमारा दामन थाम लिया। आपके एहसानों का बदला, आपकी करुणा और कृपा का बदला हम नहीं चुका सकते बापूजी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहती रही है ये तो दुनिया का रिवाज है, कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया का काम है कहना, ये रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, यहाँ हम अपनी तुपनी क्या कहें। यहाँ तो सीता को भी लोगों ने बदनाम किया, राम जी को भी बदनाम किया, कृष्ण को नहीं छोड़ा, लेकिन आप सब सहते हुए, सब अपमान सहते हुए भी, निंदा सहते हुए भी आपने हमेशा करुणा बरसाई, आपने हमेशा कृपा बरसाई। अभागे लोग हैं वो जो संतों को नहीं पहचान पाए। अरे आज उनके ग्रंथ सिर पे रख के हम पूछते हैं, उनके मंदिर बना करके हम उनके चरणों में बैठते हैं, साईं बाबा के दरबार में लोग जाते, छत्र चढ़ाते, लेकिन छत्र चढ़ाने से क्या फायदा, जब वो हयात थे उनके उपदेशों को नहीं सुना। अब सोने का मुकुट चढ़ाने से क्या फायदा, उससे वो प्रसन्न नहीं होते। वो तो आते हैं कुछ समय के लिए हमारे बीच में, ले लो, भर लो अपनी झोलियां, कर लो अपने जीवन को सफल, प्रकट कर लो अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा को। हम सब के बीच में होते हुए, हमारे बीच में रहते हुए भी वो इस देश के नहीं है, इस लोक के नहीं है, तभी तो इस लोक के लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जो पहचानते हैं उनको भी लोग धुतकारते हैं, लेकिन जिन्होंने जाना, कोई जानेगा जाननहारा, गुरु बिन घोर अंधियारा। संत ना होते इस जगत में जल मरता संसार, देखो अपने जीवन के भीतर झांक करके, जो अच्छाई है, जो सद्गुण है, जो पुण्य कमाए, किसकी कृपा से, किसकी दया से, वो ना होते तो कौन समझ देता, कौन समझाता। उस परमात्मा जो सर्वत्र फैला हुआ है, उस परमात्मा को तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो महापुरुष आकर के हमारे घट में ही हमें दिखा देते हैं। ऐसे महापुरुषों को पहचाने, उनकी करुणा और कृपा को पहचाने,
नहीं तो अंत समय निराशा हाथ लगती है। निंदा करने वाले निंदक तो देर सवेर उसका परिणाम भुगतते ही हैं। नीच और निम्न योनियों में जाकर के सांप बनते हैं। जो संतों से द्वेष करते हैं वो सांप बनते हैं, क्योंकि उनके भीतर जहर होता है निंदा का। बिच्छू बनते हैं, मेंढक बनते हैं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी।